वेलकम बैक स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं फ्योल के 14 प्रिंसिपल। पिछली वीडियो में मैंने आपको 7 प्रिंसिपल कराए थे, आज हम करेंगे 8 प्रिंसिपल जिसका नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसको समझने के लिए हमें दोनों को अंडरस्टैंड एक साथ करना बहुत जरूरी है। पहले मैं इन दोनों का आपको मतलब लिख के देता हूँ। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स, ठीक है जी। और दूसरी तरफ से डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? डेलीगेशन ऑफ पावर। इसका क्या मतलब हो जाएगा? डेलीगेशन ऑफ पावर, ठीक है। या उसको हम ये भी कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू द जूनियर लेवल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फ्योल, फ्योल के अकॉर्डिंगली वो ये प्रिंसिपल है कि सेंट्रलाइज करने से क्या होता है, सारी पावर्स टॉप मैनेजमेंट के हाथ में रहती हैं, सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ही लेगा। और डिसेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंगली क्या होता कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होता जा रहा है तो आप सारी चीजें खुद अकेला टॉप मैनेजमेंट एक व्यक्ति या दो चार व्यक्ति नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो आप जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट के काम है वो खुद अपने पास रखो और जो रूटीन जॉब्स हैं उसको डेलीगेट कर दो, उसको डिसेंट्रलाइज कर दो, डिपार्टमेंट बना दो और काम उनको बांट दो। क्योंकि अगर आपने ग्रोथ लानी है तो आपको सेंट्रलाइजेशन से निकल के डिसेंट्रलाइज पे आना पड़ेगा, सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन पे आना पड़ेगा। यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल है तब तो सेंट्रलाइजेशन चल जाएगी, लेकिन अगर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होता जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, तो आपकी ब्रांचेस बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, तो उस केस में आप सेंट्रलाइज करोगे, सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मुश्किल को सरल करने के लिए इंपॉर्टेंट जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो अपने पास कंसंट्रेट रखिए और बाकी सारा रूटीन वर्क जूनियर लेवल पे, दैट इज मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे बांट दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको आसानी रहेगी, आपको इजी रहेगा और उससे क्या होगा, आप रूटीन के कामों से की उलझन से बच जाओगे और मेन कामों पे फोकस कर जाओगे, क्योंकि रूटीन के काम तो हो ही जाएंगे, ठीक है जी। और इसका फायदा या नुकसान क्या होगा मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है जी। उसमें हमारे पास सेंट्रलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या आएंगे, सेंट्रलाइज प्रिंसिपल के पॉजिटिव इफेक्ट्स एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन, ठीक है जी। वायलेशन के आपको क्या आएंगे? सबसे पहले बेनिफिट है, आपको इसमें दोनों के बेनिफिट्स ऑफ बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के मिल जाएंगे। अब दोनों के बेनिफिट ले सकते हो। सेंट्रलाइजेशन में होता है कि पावर आपके हाथ में रहेगी, कंट्रोल ओवरऑल कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, पर डिसेंट्रलाइजेशन करने से आपका जो रूटीन वर्क है वो आगे डेलीगेट हो जाएगा और उसके बाद फास्ट डिसीजन मेकिंग आ जाएगी। और इससे क्या होता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग एट ऑपरेशन लेवल जहां पे आपने काम कर रहा है वहां हर चीज के लिए दूसरों पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, टॉप मैनेजमेंट पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशनल लेवल, ठीक है। ये हमारे दो फायदे हो जाते हैं। और अगर ये ना हो तो इसमें सबसे पहले क्यों आएगा, जब सारा कुछ सेंट्रलाइज होने से, सेंट्रलाइजेशन सिर्फ सेंट्रलाइजेशन होने से लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग में डिले होगा, तो कब बॉस आएगा, कब टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, तभी वो काम होगा, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन से एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होगा बेटे, आपका मिसयूज भी अथॉरिटी का हो सकता है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, ठीक है बच्चे।
तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको ना ही पूरी तरह सेंट्रलाइज करना है ना ही सारी ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज करना है, दोनों के कम्युनिकेशन को लेकर चलना, दोनों के बेनिफिट्स और एडवांटेजेस को लेकर चलना। आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको अगला करवाता हूँ, ठीक है जी। ये समझ लग रहा है ना आपको? वेरी गुड। तो चलिए अब हम अगला करते हैं इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास स्केलर चेन। इसके नोट्स बना लीजिए आप, इसको स्लो करके आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, वीडियो को स्लो करके पॉज करके भी आप अपना काम पूरा कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे, अगला प्रिंसिपल कौन सा है हमारे पास? मैंने आपको बताया अगला प्रिंसिपल है स्केलर चेन का। स्केलर चेन क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें एक चेन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करना पड़ता है सभी को, ठीक है जी। उससे क्या होता है, कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन नहीं होती। जब हम एक प्रॉपर अथॉरिटी को फॉलो करते हैं सभी, एक लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करते हैं, तो इजी हो जाता है हम सबके लिए काम को करना। तो एट के पास नाइन्थ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन, सो स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है? लाइन ऑफ अथॉरिटी, सिंपल बात। स्केलर चेन का मतलब है लाइन ऑफ अथॉरिटी, लाइन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है जी। और इसमें क्या होता है, फ्रॉम हाईएस्ट लेवल टू लोअर लेवल, नेचुरली लोअर लेवल, लोअर लेवल, ठीक है बच्चे। अब मैं आपको ये बताता हूँ इसमें होता क्या है। मान लो एक यहाँ पे स्केलर चेन के लिए मैं ये बना रहा हूँ, ये एक ए बॉस आपका, ये दो डिपार्टमेंट्स बन गए, वन ये और ये इनके नीचे काम करने वाले बंदे। मान लो ये बी है, सी है, डी है, ई, ये आगे एक्स वाई जेड एंड टी, ठीक है, ये ऐसे बंदे बन गए, ठीक है। तो ये इधर से ये इनको अथॉरिटी देगा और नेचुरली यहाँ पे इनकी ये भी यहाँ से अथॉरिटी आएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ऊपर इस तरीके से जाएगी, ठीक है। ये चेन ऑफ अथॉरिटी बन गई, ये इसको डायरेक्शन देगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, इसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन देगी, ये इसको, इसको, इसको आगे इन्फॉर्मेशन पास करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन फिर इस डिपार्टमेंट तक आएगी, ठीक है। बट ये एक लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। हालांकि एडवाइजेबल यही है कि यही प्रोसीजर फॉलो किया जाए, क्योंकि इससे टोटल कंफ्यूजन नहीं होगी। इससे क्या होगा, सिस्टमेटिकली काम होगा, कोई भी अपने बॉस को सुपरसीड नहीं करेगा, कोई किसी की भी अथॉरिटी चैलेंज नहीं होगी, सारा काम ठीक ढंग से होता जाएगा। बट होता क्या है, इन केस ऑफ एमरजेंसी, इन केस ऑफ एमरजेंसी कई बार हमें ये जो होती है ब्रेक करनी पड़ेगी, ठीक है, इस चेन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा ओनली इन केस ऑफ एमरजेंसी। तो उस केस में अगर ये सेम लेवल के बंदे ही एक दूसरे से बात कर पाएंगे और उसको हम क्या बोलेंगे, गैंग प्लान, गैंग प्लान। अदरवाइज हमें पूरे का पूरा इसको फॉलो करना पड़ता है, स्केलर चेन को। स्केलर चेन को फॉलो करना जरूरी है, लेकिन इन केस ऑफ एमरजेंसी, इन केस ऑफ एमरजेंसी क्या होगा, दो अलग अलग लेवल्स पे, दो डिफरेंट डिपार्टमेंट पे, सेम लेवल पे जो काम करने वाले बंदे हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं ओनली इन केस ऑफ एमरजेंसी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैंग प्लान, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन। चलिए, इसको मैं अब आपको समझा दिया, अब मैं इसका आपको मेरिट्स या डीमेरिट्स लिख देता हूँ। मगर डीमेरिट्स की यूं कह लीजिए, नेगेटिव इफेक्ट्स, ठीक है जी, ऑफ वायलेशन। ये अभी हमारा नाइन्थ प्रिंसिपल ही चलता है, मैंने ऊपर मिटा दिया, दोबारा लिख देता हूँ। नाइन्थ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, इसको अभी कंटिन्यू करते हैं वहीं पे। पहले पॉजिटिव इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स, ठीक है गाइस। और इसके बाद नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ वायलेशन, नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ वायलेशन, ठीक है बच्चे। चलिए, पॉजिटिव फैक्टर पहले तो यहां पे है, सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। और दूसरा क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, दूसरा आ जाएगा नो कम्युनिकेशन गैप, नो कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि कोई भी किसी को सरपास करके नहीं बात करेगा ना, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, कोई ये नहीं कि किसी को कोई इंफॉर्मेशन पास ही नहीं, तो इससे नेचुरली इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, कम्युनिकेशन गैप रहेगा यहाँ पे,
अगर हमने वायलेट किया ये प्रिंसिपल तो कम्युनिकेशन गैप रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, नो क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी, नो क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी। नो क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी का मतलब है कि कोई भी किसी से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, पास कर सकता है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, किसी को यही नहीं पता चलेगा कौन उसका बॉस है, कौन उसे रिपोर्ट ले रहा है, किसको उसकी जवाबदेही है, किसको उसने काम करके दिखाना है। ठीक है, तो फिर वो कंफ्यूजन वाला काम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यह हो गया हमारा स्कैलर चेन, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है गाइस, तो अब हम उसके बाद अगला प्रिंसिपल है वो करते हैं। चलिए अगला प्रिंसिपल हमारे पास जो आया है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अगला प्रिंसिपल हमें जो करना है स्कैलर चेन के बाद वो है हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इससे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती। ऑर्डर का यहाँ मतलब है सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट। ठीक है, ऑर्डर का क्या मतलब यहाँ पे, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। तो मैं यहाँ आपको लिख रहा हूँ टेंथ प्रिंसिपल। तो टेंथ प्रिंसिपल क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो इसमें क्या आ जाएगा गाइस, सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ मैन मशीन्स एंड मटेरियल्स, कि हर एक चीज की, मशीन की या व्यक्ति की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए और एक जगह होगी। ठीक है, ये इसको नोट करो पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इन तीन चीजों से, बनेगी। अगर आपने रोज इनका जगह बदलते रहे तो इनको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कि कौन कहाँ बैठता है, किसका जॉब कहाँ पे है, ऐसे तो फिर कन्फ्यूजन रहेगी। उसके बाद प्रॉपर मशीन की एक जगह होनी चाहिए, मशीन जहाँ इस्टेब्लिश कर दिया, हर चौथे दिन पर मशीन की जगह नहीं बदलनी। उसके बाद मटेरियल ढूंढने में कोई मुश्किल वाला काम नहीं होना चाहिए, आज ये सामान यहाँ रखा हुआ, कल वहाँ रखा हुआ, परसों वहाँ रखा हुआ, तो फिर क्या होगा, आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा पर्सन को ढूंढने में, मशीन पे काम करने में और मटेरियल ढूंढने में। सब कुछ होते हुए भी आपको ये फिर ढूंढना पड़ेगा हर चीज को। तो ये प्रिंसिपल बहुत जरूरी है, इसको हम कहते हैं कि सारी चीजें एक तरीके से अपने सिस्टमेटिक वे में रखना पड़ेगा आपको। तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट्स, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट्स में आएगा सबसे पहले नो वेस्टेज ऑफ टाइम, नो वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके गाइस, इसमें कोई वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा। और दूसरा यहाँ पे आएगा स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग। और इधर हमारे पास क्या आएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। और दूसरे में क्या आएगा, नॉट एबल टू कनेक्ट और कॉन्टैक्ट मैन मटेरियल एंड मशीन्स। मतलब क्या हो गया, जब आपने सब कुछ ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं किया हुआ, तो जब पर्सन अवेलेबल है तब मटेरियल नहीं मिला, जब मटेरियल मिला तब मशीन का नहीं पता, जब मशीन मिल रही तब पर्सन का नहीं पता। तो ये चीजों की दिक्कत फिर हमें रहती है, इसको आप नोट करिए। ठीक है जी, समझ लगे आपको बच्चे। चलिए अब इसके बाद 11th प्रिंसिपल जो हमारा है वो हम बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का। अगला प्रिंसिपल है हमारे पास 11th प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब यहाँ समानता, समानता का मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी पर्सन के साथ। ऑर्गेनाइजेशन आपकी तभी ग्रो कर पाएगी जब आप सिर्फ उनको उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उनसे काम करोगे। तो यहाँ पे जो 11th प्रिंसिपल आ रहा है वो आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो इसका क्या कहते हैं, नो डिस्क्री नेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, उनके जेंडर की मेल है फीमेल है इस तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रिलीजन के हिसाब से, ठीक है जी, रिलीजन के हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लैंग्वेज, कास्ट,
बिलीफ एक्सेट्रा, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने ग्रोथ करनी है तो आपको प्योरली मेरिट्स पे उनकी स्किल या क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही बंदों को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, इक्विटी शैल बी प्रमोटेड एट ऑल लेवल्स। ठीक है, ओके, तो ओनली मेरिट विल बी स्किल्स क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, यही उसका मेरिट होगा किसी व्यक्ति को प्रमोट करने का या उसको आगे लेके जाने का या उसे काम करने का। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या आएंगे बेटे, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या आएंगे, मोटिवेटेड रहेंगे एम्प्लॉयज, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज, क्वाइट ऑब्वियस, जब आप उनको कोई भेदभाव नहीं कर रहे तो उनको मोटिवेशन तो मिलेगा ना। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बूस्ट देयर मोरल, तो उनका मोरल भी बूस्ट हो जाएगा, हाई हो जाएगा, बूस्ट अप देयर मोरल, बिना भेदभाव के जब उनके साथ ट्रीटमेंट होगा तो उनका मोरल भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वायलेशन। ठीक है बच्चे, इसका सबसे पहले क्या आएगा, डिससेटिस्फैक्शन, फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज। ठीक है, और दूसरा यहां पे क्या आएगा, इंक्रीज इन टर्नओवर, इंक्रीज इन टर्नओवर का मतलब है एम्प्लॉइज आपको जल्दी छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, जब वो डिससेटिस्फाइड रहेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस वो अगला स्टेशन ढूंढेंगे, मतलब अगली कंपनी या अगली जॉब ढूंढेंगे, आपकी कंपनी छोड़ देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे लिए एक नया प्रिंसिपल है, इसको भी अंडरस्टैंड करिए। इसके बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल की, ये 11 प्रिंसिपल होंगे, अब हम बात करेंगे 12th है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज है उनका जो टेन्योर है वो रखना चाहिए हमें लेंथी। ठीक है, क्योंकि जब वो बंदा ज्यादा देर तक बिना किसी डर के, खौफ के, बिना किसी परेशानी के आपके साथ समय ज्यादा बिताएगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और वो काम फ्री माइंड से कर पाएगा। अगर आप उसको हमेशा डरा के रखोगे ट्रांसफर के लिए, पनिशमेंट के लिए, तो वो ज्यादा सक्सेसफुली काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट यहाँ बेटा 12 है, स्टेबिलिटी ऑफ टेंडर, यहाँ क्या आएगा वो स्टेबिलिटी ऑफ टेंडर। तो चलिए मैं आप लिख रहा हूँ स्टेबिलिटी ऑफ टेंडर, Stability of tenure, ठीक है जी, of personal, okay? तो इसका मतलब यहां पे आ गया कि no frequent transfers or layoff, ठीक है, ताकि वो क्या हो, एम्प्लॉय आपका बिना डर से काम कर सके, बिना डर से काम करेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो लेट द एम्प्लॉय गिव सफिशिएंट टाइम टू सेटल डाउन। ठीक है, उसको सेटल होने का टाइम दो ना, जो नया व्यक्ति आया है उसको सेटल होने का टाइम दो। ठीक है, उसके बाद उसको प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी, तेरे को निकाल देंगे, ये काम ये सुन के कौन आपके पास ज्यादा देर तक रहेगा, जॉब सिक्योरिटी, वो हमेशा डरा रहेगा, सहमा रहेगा और अपनी फुल कैपेसिटी पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, और क्या होगा इससे, इसके बाद हम बताएंगे कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स बचे जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी लेवल, पॉजिटिव इफेक्ट्स में इंक्रीजेस द एफिशिएंसी लेवल ऑफ वर्कर्स। दूसरा क्या है, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, नो वेस्टेज
बार बार बंदा रखने का टाइम तो नहीं वेस्ट करना पड़ेगा ना, ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज भी नहीं वेस्ट करने पड़ेंगे जो रिक्रूटमेंट करने के जो एक्सपेंसेस बार बार आएंगे। और उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन, नेगेटिव इफेक्ट्स वायलेशन के क्या आएंगे गाइस? सबसे पहले आएगा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, पॉइंट ऑफ दिस वेस्टेज ऑफ, इसी के नेगेटिव पॉइंट्स बन जाएंगे ना ये, रिसोर्सेज एंड टाइम, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरा क्या बनेगा हमारे पास? फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड डिससैटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज, अमंग एम्प्लॉइज वो हमेशा डिससैटिस्फाइड के रहेंगे, ठीक है जी। चलिए ये हो गया 12। अब हम करेंगे नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है 13, उसकी बात करते हैं। इसको नोट कर लिया आपने? चलिए ये अच्छी बात है कि आपको समझ आ गया। ये 14 प्रिंसिपल है बच्चे, बहुत सिंपल है, ठीक है जी। आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसको समझने में। अब तो आपके लिए और भी आसान हो रहा है, आपको दो दो तीन तीन जगह पढ़ने को मिल रहा है। आप स्कूल में भी पढ़ रहे हो, कोचिंग में भी पढ़ रहे हो, मेरे साथ भी पढ़ रहे हो, घर में भी पढ़ रहे हो, तो ठीक है, आपको कोर्स कंप्लीट करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इनिशिएटिव, 13 प्रिंसिपल क्या है? इनिशिएटिव का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू फर्स्ट स्टेप, टेकिंग फर्स्ट स्टेप फॉर सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है जी, इनवॉल्व एम्प्लॉइज इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसमें उनको इन्वॉल्व करो, ठीक है जी। उनके सजेशंस लो, उनकी राय लो, वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। गेट देयर, टेक देयर, सॉरी टेक देयर सजेशंस, ठीक है जी, एंड आइडियाज, और उनका क्या आइडिया उस पर्टिकुलर चीज के लिए, आइडियाज, एंड आफ्टर दैट एंड मेक प्लान्स और गोल्स आफ्टर कंसल्टेशन। इससे क्या होगा, वो अपने आप को इंपॉर्टेंट फील करेंगे, ठीक है। सबको इन्वॉल्व करो टीम में, किसी एक पे या बॉस ही डिसाइड ना करे कि क्या गोल होगा, कैसे ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, क्या टारगेट रखेंगे, उनका भी आइडिया लेगा, उनका भी सजेशन लेगा, वो भी तो इंसान है, वो भी हो सकता है कुछ नया आइडिया आ जाए, तो कई बार किसी के दिमाग में नहीं आ रहा, उनके दिमाग में आ जाए, सारी टीम का आइडिया लो। बट जब सभी सारी टीम का आइडिया ले रहे हो सकता है किसी एक का इंप्लीमेंट करें, नेचुरली किसी एक का ही करना पड़ेगा, 14 बंदे टीम के हैं तो 14 के आइडियाज को थोड़ा ना इंप्लीमेंट किया जाएगा एक ही गोल को अचीव करने के लिए। तो एक आइडिया अच्छा लगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नाराज हो जाए, बाकियों को भी फिर उस गोल को अचीव करने में मदद करनी होगी। आइडिया उनसे भी लिया गया, सजेशन उनसे भी लिया गया, वो अलग बात है कि किसी एक्स या वाई का आइडिया ज्यादा अच्छा लगा आज के सिनेरियो में, तो हमने उसको चूज कर लिया, ठीक है। तो जिसका आइडिया हमने लिया है, चूज किया है, उसको सपोर्ट तो करना ही करना है, बाकी टीम मेंबर भी सपोर्ट करेंगे उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को, उस टारगेट को, उस प्लान को अचीव करने में, ठीक है। फिर नाराज नहीं होगा किसी ने कि भी मेरी बात तो सुनते नहीं, तो फिर मैं आइडिया भी क्यों दूं, नहीं ऐसे नहीं। आपको ये पहल करने का, सेल्फ मोटिवेशन करने का, सेल्फ अपने आप को क्या कहते हैं मोटिवेट करने का मौका तो दिया ना आपको, आपको ये नहीं चांस नहीं मिला, ठीक है। किसी का आइडिया जो अच्छा लगा उन्होंने इंप्लीमेंट करना, ओके। अब हमारे पास क्या आएंगे? पॉजिटिव इफेक्ट्स। हमारे पास इसका क्या आएगा? पॉजिटिव इफेक्ट्स। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहेंगे? सबसे पहले इसका पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, इट डेवलप्स फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। उसके बाद दूसरा क्या आएगा? एम्प्लॉइज अचीव टारगेट होता है, जब उसको पता है कि उनसे पूछ के किया गया है तो टारगेट अचीव करेंगे, एम्प्लॉइज अचीव टारगेट्स ऑन टाइम, वो टाइम पे टारगेट को अचीव कर लेंगे, ठीक है। और कौन सा? उसके बाद नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन में क्या आएगा? सबसे पहले अगर उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, एम्प्लॉइज विल नॉट
वर्क टू देयर बेस्ट एबिलिटी। ठीक है, अपनी पूरी योग्यता से काम नहीं करेंगे और वो डीमोटिवेट रहेंगे, डीमोटिवेटेड। ठीक है जी, तो वो डीमोटिवेटेड भी रहेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल है इनिशियल। तो अब हम आगे लास्ट जो प्रिंसिपल है हमारा वो है एस्पिरेट डी क्रॉस। वो बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, इसका मतलब है यूनिवर्सल। ठीक है कि हम टीम के रूप में काम करेंगे। ओके जी, तो ये आपने नोट कर लिया अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल टीम वर्क को फोकस कर रहा है। तो यहां पे हम जो बात करेंगे 14 नंबर प्रिंसिपल एस्पिरेट डी क्रॉस। ठीक है जी, इसका मतलब है ड्यूरिंग एक ट्रेंड I is replaced with V. ठीक है, there must be teamwork. ठीक है, there must be teamwork, mutual trust. ठीक है, एक दूसरे के पास ट्रस्ट होना चाहिए अमंग एंड बिलोंगिंगनेस कि वो मेरा ही टीम मेंबर है। बिलोंगिंगनेस, ठीक है, हमारा ही टीम का मेंबर है, हमें उसको उसकी हेल्प करनी चाहिए अगर वो कोई मुसीबत में या किसी प्रॉब्लम में या कोई काम उसका नहीं हो पा रहा। तो ठीक है, इससे हमें फायदा क्या होगा, इसमें हमारे पास पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या आएंगे, पॉजिटिव इफेक्ट्स इसके क्या आएंगे, develops a team spirit, team spirit बनेगी। ठीक है, एक टीम के रूप में सारे काम कर रहे हैं, achievement of group goal easily, achievement of group goal easily। ठीक है guys, और इधर क्या आएगा coalition में, अगर आप ये principle नहीं applicable करें तो यहाँ आएगा negative effects of violation। ठीक है गाइस, तो नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन क्या आएगा, टीम गोल मे नॉट बी अचीव, टीम गोल अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, नो टीम स्पिरिट, नो टीम स्पिरिट, हर कोई अपना अपना ही करता रहेगा, टीम नहीं बन पाएगी और स्ट्रेस किस पे आएगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन पे आएगा, अचीव को गोल को अचीव करने में दिक्कत आएगी। तो गाइस ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल फ्योल के, जनरल मैनेजमेंट के में जो जनरल प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे प्रोग्रेसिव है मैनेजमेंट, जैसे कि आपको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे। ठीक है जी, ये एप्लीकेबल होंगे, आप इन 14 प्रिंसिपल्स को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इससे केस स्टडी आपको डेफिनेटली आएगी ही आएगी। ओके जी, विशिंग यू गुड लक। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। डन।